नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर में बुधवार सुबह 57 श्रद्धालुओं से भरी बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई और इसमें 11 श्रद्धालुओं को अब तक मृत घोषित कर दिया गया है, जबकि 12 से भी ज़्यादा के हालात ठीक नहीं हैं। पुलिस और प्रशासन के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बस में 57 से भी ज़्यादा श्रद्धालु सवार थे। यह घटना है जो लखनपुर थाना क्षेत्र के आगरा जयपुर नेशनल हाईवे 21 पर हंताराम के पास सुबह 5:30 बजे की है। मरने वालों में 6 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं और सभी मृतक गुजरात के भावनगर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार बस भावनगर से मथुरा होते हुए हरिद्वार जा रही थी और सुबह भरतपुर आगरा हाईवे पर अचानक बस खराब हो गई थी। ड्राइवर और उसके साथी समेत अन्य यात्री भी बस में उतर गए हैं और ड्राइवर और उसके साथी तो बस को सही कर रहे थे, जबकि इसी दौरान ट्रक के टक्कर मारने के दौरान किनारे पर खड़े अन्य यात्री को भिड़ंत कर दी है, जिसके दौरान ट्रक मौके से निकल गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि इस घटना के दौरान वहां से गुजर रहे अन्य वाहनों ने जैसे ही वहां पर कुछ लोगों को पड़ा हुआ दिखा है तो पुलिस को सूचना दी है और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। बताया जा रहा है कि भीड़ होने की वजह से हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद सभी शवों को भरतपुर के मोर्चरी में भिजवा दिया गया है, जिसके बाद क्रेन की सहायता से दोनों वाहनों को में हटवाया गया है और उसके बाद कई किलोमीटर लंबे जाम को सुचारू करवाया गया है और पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि तुरंत ही अब पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और परिजनों को सूचना मिलते ही पूरे गांव में गम का माहौल बना हुआ है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट में अपनी राय जरूर दें।